आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। आज से साल तो बदल गया है, लेकिन प्रदेश के मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला। नए साल को चढ़ते दिन के साथ धूप खिलने के आसार है, मगर सुबह कोहरे में लिपटी रहेगी। सोमवार को हवा में गलन बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह और मोहम्मद दानिश के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से फिलहाल गलन बनी रहेगी। साल के अंतिम दिन रविवार को घना कोहरा कई इलाकों में छाया रहा। लखनऊ में सुबह धूप खिली, मगर शाम होते ही गलन बढ़ी। कोहरे का असर कुछ कम रहा, रविवार को कोहरे का असर कुछ कम रहा। कानपुर में दृश्यता 50 मीटर से कम तो वही झांसी में 40 मीटर से कम रही। कई अन्य इलाकों में दृश्यता 100 से 200 मीटर तक रही। यहाँ रहा सबसे कम तापमान, सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.5 नजीबाबाद का रहा। दिन का सबसे कम तापमान 12.8 मुजफ्फरनगर में रिकॉर्ड हुआ। इन इलाकों में है घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल एवं आसपास इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इन इलाकों में है मध्यम स्तर के कोहरे का येलो अलर्ट। आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, कासगंज, बदायूं एवं आसपास के इलाकों में कोहरा होने के आसार हैं। आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।